पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन उतरा धरातल पर। देहरादून पेयजल पंपिंग योजना के जरिए मुख्यमंत्री ने बुझाई लोगों की प्यास। अब गांव-गांव शहर-शहर पहुंच रहा पीने का स्वच्छ जल। त्रिवेंद्र सरकार में जनता को मिल रही बड़ी राहत। ये है देवभूमि उत्तराखंड और ये है उत्तराखंड की वो महिलाएं जो सालों से पीने के पानी के लिए संघर्ष करती आई हैं। रास्ते कच्चे हो या टूटी सड़कें या फिर डगमगाती पगडंडियों वाले रास्ते, इनके सरों पर हमेशा पानी का भरा कनस्तर ही दिखाई देता था। ये महिलाएं अपने परिवार और मवेशियों की प्यास बुझाने के लिए 10-10 किलोमीटर पैदल सफर कर तोको या फिर गधेरों से पानी खींच कर लाती थी। पर फिर बदल गया समय और वो साल आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। सन 2017 जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देवभूमि के गांव-गांव अंतिम व्यक्ति तक पेयजल के जरिए विकास पहुंचाने का संकल्प लिया था। हमारी कोशिश है कि हम तमाम पानी की व्यवस्था आने वाले पीढ़ी के लिए करें। आज हम जो पानी पी रहे हैं, पानी की आज जो आज से 20 साल पहले 45 फुट पर जो पानी मिलता था, आज जो 250 फुट 300 फुट की गहराई पर जा रहा है। और इसलिए हमने ये तय किया है कि देहरादून को हम पूरी तरह ग्रेविटी वाटर पर लाएंगे और सौंग नदी पर हम बांध बनाएंगे। सूर्यधार बांध का काम शुरू हो गया है और हम इसी तरह से जहां पर भी ग्रेविटी का पानी दिया जा सकता है वहां पर हम ग्रेविटी का पानी देंगे। एक एक कर मुख्यमंत्री ने दर्जनों पेयजल योजना बनवाई, जिसमें पिथौरागढ़ में 50 करोड़ की लागत से पेयजल योजना जनता के सुपुर्द की। डोईवाला में करीब 26 करोड़ की लागत से प्रतीत नगर पेयजल योजना को मिली मंजूरी। देहरादून में 109 करोड़ की लागत से कृष्णा नगर पेयजल योजना को स्वीकृति दी। तो वहीं बागेश्वर में 16 करोड़ की लागत से जेठाई पेयजल पंपिंग योजना को मिली स्वीकृति। पौड़ी जिले के जहरी खाल ब्लॉक में करीब 65 करोड़ की लागत से पंपिंग योजना को स्वीकृति दी। पहाड़ों की रानी मसूरी 144 करोड़, हल्द्वानी 18 करोड़, चौकुटिया 12 करोड़ रुपए की पंपिंग योजना को स्वीकृति मिल चुकी है, जिसका सीधा फायदा अब आम जनमानस को मिलना शुरू हो गया है। लखवाड़ बांध की परियोजना होगी, जमरानी बांध की परियोजना होगी, सौंग बांध की परियोजना होगी, या मसूरी की पेयजल योजना होगी, या फिर नैनीताल की पेयजल योजना होगी। और यही नहीं, 1200 करोड़ की योजनाएं हमारे जल संरक्षण के लिए भारत सरकार से हमको स्वीकृति मिली है। कहते हैं जल ही जीवन है और जहां जल ही नहीं वहां जीवन भी नहीं। पर देवभूमि में मुख्यमंत्री ने लाखों लोगों तक स्वच्छ जल पहुंचाकर न केवल लोगों की प्यास बुझाई है बल्कि उन लाखों परिवारों को फिर से नया जीवन दे दिया है जो आज तक पानी के लिए ठोकरे खा रहे थे। साफ शब्दों में हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के राज में अब उभर रहा है उत्तराखंड।